हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग जो 1 सितंबर 2022 से कंडक्ट होने वाली थी, उसे फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और एमसीसी डीजीएचएस की तरफ से इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी पब्लिश हो चुकी है। रीजन नीट पीजी 2022 काउंसलिंग को पोस्टपोन करने का जो दिया गया है वो ये है कि कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाने के लिए अथॉरिटी के तरफ से एलओपीज लेटर ऑफ परमिशन सेंड किए जाते हैं। लेटर ऑफ परमिशन सेंड करने की लास्ट डेट 27 अगस्त 2022 रखी गई थी, मगर अभी तक सभी कॉलेजेस जिनमें भी सीट्स बढ़नी है कॉलेजेस में या फिर डीएनबी के हॉस्पिटल्स में या फिर एनबीए डिप्लोमा में जो न्यू कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि कहीं कहीं पे एनबीए के जो जो कोर्सेज नहीं हैं उन कोर्सेज को अप्रूवल देने के लिए या डीएनबी में जो कोर्सेज नहीं है उन कोर्सेज को अप्रूवल देने के लिए एलओपीज जो है वो पूरी तरीके से सभी कॉलेजेस में अभी तक फॉरवर्ड नहीं की गई है, वो अभी तक नहीं भेजी गई है। और इसीलिए जो लास्ट डेट ऑफ लेटर ऑफ परमिशन की 27 अगस्त 2022 थी उसे बढ़ा करके अब 15 सितंबर 2022 कर दी गई है। और इसी वजह से काउंसलिंग जो है उसे अब 15 सितंबर 2022 के बाद ही कंडक्ट कराई जाएगी। दैट मीन्स कि काउंसलिंग जो है अब कहीं ना कहीं 16, 17 या 18 के आसपास स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ एलओपी भेजने की जो रखी गई है वो 15 सितंबर 2022 रखी गई है। इससे स्टूडेंट्स को जो फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में एलओपी जा सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीट्स बढ़ चुकेगी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। डीएनबी और एनबी डिप्लोमा के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा सीट्स अवेलेबल होने के चांसेस रहेंगे, तो ये एक बेनिफिट जरूर स्टूडेंट्स को मिलता हुआ दिखेगा। सो फिलहाल जो काउंसलिंग है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है और वो 15 सितंबर 2022 के बाद ही कंडक्ट हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।